नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम ख़राब ट्यूबलाइट को रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन को टच करना है और उसके साथ में दिए हुए बेल आइकॉन को भी टच करना है। बेल आइकॉन को टच करते ही आप मेरी अपडेट वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जो कि बिल्कुल पूरी तरह ख़राब हो, उसका आगे का ये खोल जो मैं तोड़ रहा हूँ, तोड़ नहीं रहा, सॉरी, निकाल रहा हूँ, उसको निकालना है बड़े आराम से और सावधानी से। दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइन की नॉलेज नहीं है तो कृपया करके अपने किसी बड़े भाई या मम्मी पापा को साथ में रखें, क्योंकि ऐसा करने पर ट्यूबलाइट टूट सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ आप किसी बड़े को अपने साथ रखें, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो। बहुत आराम से आपको पेचकस की मदद से किसी भी ख़राब ट्यूबलाइट का ऊपर का खोल निकालना है, जो कि अभी हमारे काम आएगा आगे। ये मैंने खोल निकाल लिया है। अभी मैं दूसरी ट्यूबलाइट पर सोल्डरिंग करके इस खोल को दोबारा लगाऊंगा। ये ट्यूबलाइट मेरी बिल्कुल पिन टूट गई है किसी वजह से। ये आप देख रहे होंगे ट्यूबलाइट की पिन हिल रही है, तो इस पे मैं ये वाला खोल लगाऊंगा। अब मैं ये ख़राब ट्यूबलाइट को निकाल रहा हूँ, सॉरी, ख़राब ट्यूबलाइट के खोल को निकाल रहा हूँ जो कि पिन टूट चुकी है किसी वजह से। इसको भी बड़े आराम से निकालिएगा, शांतिपूर्वक, कोई हबड़ा तबड़ी ना करें। बहुत आराम आराम से कटर या पेचकस की मदद से करें, निकालें, और ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। ये देखो आपके सामने 2 मिनट में निकल चुका है। अब ये दो तार रह गई हैं, इस पर आपको सोल्डरिंग करनी है किसी भी आयरन से, जैसा आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सोल्डरिंग करते समय ध्यान रखें, बहुत हल्के तरह से करें, कहीं ऐसा ना हो कि तार टूट जाए। अब ये मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ, आपको साइड में वीडियो दिख रहा होगा, एक क्लिपिंग दिख रही होगी जिसमें मैंने सोल्डिंग करके रखा हुआ है। अगर आपकी तार छोटी हो गई है तो आप एक्सटर्नल तार लगा सकते हैं। ये सोल्डिंग करने के बाद आप किसी भी टेप की मदद से इसे पूरा चिपका दें। चिपकाते समय ध्यान रखें कि दोनों तरफ के खोल आपस में एक दूसरे के समानांतर हो, यानी कि बिल्कुल बराबर हो। और ये करने के बाद आप देख सकते हैं ये ट्यूबलाइट जो ख़राब थी, अब वो बिल्कुल ओके जल रही है। आपको साइड में रेड कलर की एक लाइन दिख रही होगी जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले टेप लगाई थी। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।